हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज का भी ब्लॉग है। आज मैं बताने वाली हूँ कि मेरा बच्चा 3 साल का है और अभी उसके स्कूल बंद है। स्कूल की एक्टिविटी करना वो प्रिफर नहीं कर रहे क्योंकि बहुत चीजें जो करने वाली वो बच्चे करके बोर हो जाते हैं। और मेन बात ये है कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, टीवी या मोबाइल की ज्यादा एक्साइट होते हैं क्योंकि वो चीजें हमें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो इस वजह से मैं आज कुछ ऐसी एक्टिविटीज करवाऊंगी इस वीडियो में, इस ब्लॉग में आप देख सकते हैं। और आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आपके कोई जान पहचान में छोटे बच्चे, तो आपके लिए ये चीज फॉरवर्ड कर दे ताकि उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहे। तो इसमें मैं सिर्फ ये दिखाऊंगी कि वो कैसे उस एक्टिविटी को कर रहे और उस एक्टिविटी को मैंने बनाया कैसे, दूसरा वीडियो अपलोड करूंगी जो आपको बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए अभी जो है मैं नहा के फ्रेश हो गई थी, तो सबसे पहले मैं खाना बनाऊंगी। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ ये आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तोरी। एक्चुअली दिल्ली में इसे तोरी कहते हैं, जनरली नेनुआ भी कहते हैं इसे, परोर भी कहते हैं, तो ज़्यादातर इसे दिल्ली में इसे तोरी कहते हैं। तो आज तोरी की सब्जी बनाने वाली हूँ और उसके साथ दाल चावल एंड सैलड जो जनरली प्रीफर करते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खाना वाना खा के अब हम फ्री हो चुके हैं, तो मैं अभी बनाऊंगी वो सारी एक्टिविटी जो मैं अभी मलिक को करवाने वाली हूँ। तो मैं अपने प्लेस पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं सारे मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड हैं वो लेके पहले यहाँ पे रख लेती हूँ एंड देन मैं
सारी एक्टिविटी कर देती हूँ, वो भी मैं शूट करूंगी, आप देख सकते हैं दूसरे वीडियो में। तो चलिए पहले मैं फटाफट ही काम कर जितने भी रिक्वायर्ड आइटम्स थे वो सारे मैं यहाँ पे रख रही हूँ, और अब मैं बनाती हूँ। टिल देन आप मेरे वीडियो को एंजॉय करिए। सो फ्रेंड्स, सारी एक्टिविटी मैंने बना ली है, आप देख रहे होंगे मदर भी अपनी एक्टिविटी में लग गया है। एंड मैं आपको बता दूं, अब आप एंजॉय करिए कि मैं उसे कैसे ये सारी एक्टिविटी करवाती हूँ। हाँ, वो उसका क्या है, माउथ, नोज, आईज, ईयर, 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 आईज, माउथ। आपको उसके अंदर नहीं घुसना है ना। हाँ, चलो बनी को खिला दो, खिला दो बनी को, हाँ खिला दो। फिर वापस लेना नहीं है। अच्छा जी, ये आप बनी को क्या खिला रहे हो? खा दिया। क्या खिलाए? क्या खिलाए? बनी खा दिया। खा लिया? इस देखो, इसको यहाँ रखना है। हाँ, ये तो इसका है। ऐसे डालो, ऐसे, ऐसे। गुड। नहीं। वो क्या है, रोम्बस? ऐसे रोम्बस। ऐसे बाएं, ऐसे और। और सर्कल क्या है यहाँ? सर्कल? वेयर इज सर्कल? इस सर्कल नहीं, सर्कल। सर्कल, सर्कल के प्लेस पे प्लेस करो, सर्कल के प्लेस पे। हर्ट, वाओ। और स्क्वायर, स्क्वायर बाकी रह गया, स्क्वायर। यस, गुड। क्लैप 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 क्लैप। हर्ट है वो, क्या है हर्ट? मून। गुड। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, हाँ। अच्छा, इसको नहीं लगाना है। ओके, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रायंगल।
Good. Pentagon. Circle. Oval. Good. Good. Good boy. आप बताओ क्या है? What is this? What is this? Bear. Yes. And what is this? Bird. Manit? What is this? Good, complete. These activities जो कि मैंने अभी मनित को करवाया है उसके बाद वो बच्चे को खुद भी थोड़ा खेलने दें ताकि उसकी इमेजिनेशन जो है वो स्ट्रांग होती है एंड वो खुद भी इम्प्लीमेंट करता है कि नहीं ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए सो इट्स नॉट एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम उनसे बच्चों को टी वी या मोबाइल से बहुत दूर रखें ये खुद भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है अभी आप देख सकते हैं वो कार्डबोर्ड की हेल्प से खुद भी खेल रहा है कुछ इमेजिन कर रहा है उस पर कलर कर रहा है एंड उस पर अपने टॉय ट्रेन चला रहा है तो यहाँ पे इस वॉल पे आप देख रहे होंगे ये सारी एक्टिविटीज ही की हुई है मैंने पहले भी यहाँ पे चार्ट पेपर लगा रखा था पर जब चार्ट पेपर फट गया और वो हट गया तो इसने पूरे दीवार को इस तरह से गंदा कर दिया खैर ये साफ हो जाता है क्योंकि स्केचमैन है वो इजली विद द हेल्प ऑफ कॉलिन से हट जाता है तो फिर से मैंने वापस से यहाँ पे एक चार्ट पेपर अभी चिपकाया है इसे ये एक्टिविटी करने में बहुत मज़ा आता है आप देख रहे हो फिर से शुरू हो गया
तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं बच्चों को कराने के लिए, तो वो मैं हर दिन अलग अलग एक्टिविटी करवाती हूँ। उसे कुछ ना कुछ न्यू एक्टिविटी होना चाहिए ताकि बच्चे बोर ना हो, उनके लिए वो एक्टिविटी न्यू तो वो इस चीज़ से बोर नहीं होते। अगर एक ही चीज़ आप डेली करवाएंगे तो वो बोर होंगे। ज़बरदस्ती पढ़ाने पे भी क्या होता है, बच्चे इरिटेट होते हैं, तो कुछ ऐसा कराया जो उनको थोड़ा नॉलेज भी हो, ग्रिप हो उनके हैंड पे, ताकि वो जो पेन या पेंसिल पकड़ते हैं तो उनके हाथ जो है काफ़ी दर्द होते हैं, नाजुक सा तो हाथ होता है, तो वो इस चीज़ से फिर दर्द होने के कारण वो इस चीज़ से भागते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं। मैंने मनित के साथ भी नोटिस किया था, मैं उसे फोर्सली कह रही थी कि नहीं आपको स्टडी करना है, आप पढ़ो, तो फिर वो बहाने बनाने लगा कि उसे नींद आ रही है। तो इस तरह कुछ अदर अदर एक्टिविटीज़ हैं, पेंटिंग, कलर, तो इस चीज़ में अब वो थोड़ा बिजी होता है, उसे वो ये सारी चीज़ें करना पसंद है, वो काफ़ी इन्जॉय करता है और खुश रहता है। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप भी अगर आप अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड शेयर माई वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।